भारत में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। नाउ अब यहाँ पर एनएचपीसी ने तो अनाउंस कर दिया है कि वो 500 मेगावाट का एक काफी विशाल का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने वाले हैं ऑन वाटर बॉडी ऑफ ओडिशा। इस प्रोजेक्ट के लिए तो उन्होंने अब ग्रीन एनर्जी डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड के साथ एक प्रमोटर भी एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, और इस एग्रीमेंट के तहत ये लोग 0.5 गीगावाट का एक काफी विशाल सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिछाएंगे ओडिशा के वाटर बॉडीज पे। और एक बार जब ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाए अपने आप में ही ओडिशा के लिए भी एक काफी इनोवेटिव प्रोजेक्ट होगा। अब वैसे काफी लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि हम लैंड पे भी तो कर सकते हैं, सो वाटर पे क्या इसका बेनिफिट्स है? सो लेट मी टेल यू, इसके काफी सारे बेनिफिट्स है अगर हम इस तरह के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स बनाते हैं तो। सबसे पहले तो यहाँ पर लैंड न्यूट्रल रहता है, हमें कोई लैंड एक्विजिशन नहीं करना है, नथिंग। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है तो वो है जो वाटर इवेपोरेशन होता है वो तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पर जो वाटर सरफेस है वो एक्सपोज रहता है। सो अगर एक रिसर्च में पाया गया है इनफैक्ट कि अगर हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट डेवलप कर दे किसी वाटर बॉडी पे, यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 30-40% इवेपोरेशन लॉसेस को हम रोक सकते हैं। सो ड्राई एरिया और जो भी एरिड रीजन है भारत के स्पेसिफिकली, वहाँ पर अगर इस तरह के कंसेप्ट को लाया जाए तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक हम उस एरिया के वाटर इश्यूज को भी काफ़ी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी बार ऐसा भी पाया गया है कि ये जो एग्जिस्टिंग हमारे वाटर की इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। सो मान लीजिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट अगर किसी में है, फिर वाटर सप्लाई, रिजर्वॉयर, इरीगेशन। सो ऐसे समय में अगर हम यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट डेवलप करें तो ऑलरेडी हमारे पास एक ग्रिड कनेक्शन मौजूद है, सो इस पर ज़्यादा कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी है और इसका क्लीनिंग में भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कंपेयर टू ग्राउंड वन जो हम क्लीन करते हैं उस हिसाब से। वेल, अब यहाँ पर एनएचपीसी का ऐसा प्लान है कि वो लोग सबसे पहले 300 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी डेवलप करेंगे और ये बनाया जाएगा ऑन रिजर्वायर ऑफ रेंगाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फर्स्ट फेज में ही आप पकड़ के चलो कि ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीज खर्चा होने वाला है और 300 मेगावाट की हम कैपेसिटी पहले डेवलप करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको एक्सपैंड करेंगे। सो न केवल ही ओडिशा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होने वाला है जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए तब। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।